नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स के द्वारा एफ कैट जनवरी 2025 के लिए, यानी एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट फ्लाइंग और जनरल ड्यूटी कैडर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 336 पदों के लिए। तो ये नई भर्ती है भारतीय वायुसेना के अंतर्गत। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है, यह हमने डाउनलोड किया हुआ है, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनवाइट मैन एंड वुमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन। यहाँ आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है fcat.cdac.in पर जाकर। तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट fcat 2025 यानी जनवरी 2025 NCC स्पेशल एंट्री फॉर कोर्स कॉमेंसिंग इन जनवरी 2026, यानी इस पर जो ट्रेनिंग है वो जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, आपको ऑनलाइन मोड में ही जाकर अप्लाई करना होगा। यहाँ अब बात करते हैं पदों की संख्या की। एफकैट एंट्री फ्लाइंग में यहाँ 21 पद हैं पुरुषों के और 9 पद हैं महिलाओं के। SSC कैटेगरी स्पेशल ऑफिसर कैडर में यहाँ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 95 पद हैं महिलाओं के, AE के अंतर्गत, और यहाँ महिलाओं के हैं 27 पद। इसके अतिरिक्त AEM में 53 पद हैं पुरुषों के और AEM में यहाँ पर 14 पुरुष के महिलाओं के हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आप देखेंगे वेपन सिस्टम्स WS ब्रांच में 14 पद पुरुषों के हैं, WS ब्रांच में 3 पद महिलाओं के हैं। एडमिन में 42 पद हैं पुरुषों के, महिलाओं के 11। LGS में 13 पुरुषों के, 3 महिलाओं के हैं। अकाउंट्स में 11 पद हैं पुरुषों के, 2 महिलाओं के हैं। एजुकेशन में 7 पद पुरुषों के और 2 हैं महिलाओं के। और यहाँ आप देखेंगे मैट में 7 पद पुरुषों के और 2 महिलाओं के हैं। इसी तरह NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग कैडर के लिए 10% सीट्स जो रखी गई हैं CDSE वैकेंसी हैं जो PC एंड 10% सीट्स आउट ऑफ FCAT वैकेंसीज फॉर SSC के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। ये यहाँ आप डिस्क्लेमर देख रहे हैं, ये वैकेंसी टेंटेटिव हैं जो घट या बढ़ सकती हैं। यहाँ जो कमीशन होगा वो किस तरह का होगा, SSC महिला और पुरुष दोनों के लिए। एंगेजमेंट यहाँ पर जो किया जाएगा फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर 14 ईयर्स के लिए होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। यहाँ इनिशियल टेन्योर जो होगा SSC ऑफिसर ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेज में 10 ईयर्स के लिए होगा, जिसको बढ़ाया जा सकता है 4 साल के लिए, जो कि सर्विस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी पर, विलिंगनेस पर, सूटेबिलिटी पर और मेरिट पर। तीसरी जो यहाँ पर है ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, परमानेंट जो कमीशन है केवल उन्हीं को दिया जाएगा। लेटर डेट पर वुड बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी और वैकेंसी विलिंगनेस सूटेबिलिटी और मेरिट पर, जो भी उस कंडीशन में उस समय पर यहाँ संबंधित ऑफिसर की कंडीशन में सही साबित होंगी। SSC ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल ग्रांट पेंशन। तो SSC ऑफिसर्स को कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। एज यहाँ पर रखी गई है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर, यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों ही डेट शामिल होंगी। अपर एज जो होगी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कमर्शियल पायलट है, जो DGCA इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, 26 साल तक होगी, यानी आवेदक का जन्म 1 2 जनवरी 2000
और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के पदों के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में 20 से 26 साल आयु सीमा रखी गई है। आवेदन 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2000 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। डिटेल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट जो है वो fcat.cdac.in पर जारी किया जाएगा 2 दिसंबर 2024 को। सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो ट्रेनिंग होगी वो जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में। ड्यूरेशन जो होगा ट्रेनिंग फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 62 हफ्तों का होगा, जबकि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 52 हफ्तों का होगा एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिश के अंतर्गत। ऐसे सभी कैंडिडेट्स का पैन कार्ड होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए SBI या किसी भी नेशनल बैंक में एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करते समय। आधार कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी होगा सभी कैंडिडेटों को रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर के लिए जो पे पर डिफेंस मैट्रिक्स होगा 56,100 से 1,77,500 रुपये होगा, जबकि MSP यहाँ पर होगा लेवल 10 में 15,500। फ्लाइट कैडर जो हैं फिक्स्ड स्टाइपेंड 56,100 रुपये पर मंथ उनको दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अन्य जो अलाउंसेज हैं जैसे फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट टेक्निकल फील्ड एरिया स्पेशल कंपेंसेटरी हिल एरिया स्पेशल फोर्स सियाचिन आइलैंड स्पेशल ड्यूटी टेस्ट पायलट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर एरिया रिमोट एरिया अलाउंसेज ये सभी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनको एकोमोडेशन कॉम्प्रिहेंशन मेडिकल कवर दिया जाएगा सेल्फ एंड डिपेंडेंट के लिए। कैंटीन फैसिलिटी ऑफिसर्स मैस लोन्स सब्सिडी रेट LTC लीव 60 दिन की होगी एनुअल में और 20 दिन की कैजुअल लीव दी जाएंगी। इंश्योरेंस जो होगा यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ पर दिया जाएगा ऑन कंट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल टू सर्विस ऑफ ऑफिसर फ्रॉम एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी। स्पोर्ट एडवेंचर की भी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी इंडियन एयरफोर्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। वेरियस स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटी जैसे स्काई डाइविंग माइक्रोलाइट फ्लाइंग माउंटेनियरिंग वाटर राफ्टिंग एक्सेट्रा। ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपको जमा करनी होगी 500 रुपये एग्जामिनेशन और प्लस GST जो कि नॉन रिफंडेबल होगा ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से। ऐसे कैंडिडेट जो कि NCC स्पेशल एंट्री के अंतर्गत अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको फीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन पदों के लिए केवल अनमैरिड महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। उसके लिए 2 दिसंबर को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय वायुसेना के अंतर्गत FCAT जनवरी 2025 के लिए यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट फ्लाइंग और जनरल ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में आप अप्लाई कर सकते हैं 2 दिसंबर से लेकर, जिसके लिए ऑनलाइन मोड में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर और अंतिम तिथि होगी 31 दिसंबर 2024 तक। तो दोस्तों जैसे ही ऑनलाइन मोड में लिंक एक्टिवेट होता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट कराना सुनिश्चित जरूर कर लें। अगर आप भी एज क्राइटेरिया एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन चैनल छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।